हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आए हैं और ये जजमेंट है दोस्तों मेंटेनेंस के ऊपर। इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि इसमें वाइफ खुद एक एडवोकेट थी, क्योंकि एडवोकेट को सारी ट्रिक्स पता होती हैं, सारे तरीके पता होते हैं, कानूनी पैतरों का पता होता है कि इस तरह से ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे हस्बैंड से मेंटेनेंस निकलवाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें एडवोकेट को पता होती हैं। तो यहाँ पे वाइफ खुद एडवोकेट थी, उनको लोअर कोर्ट के द्वारा तय कर दिया गया था कि हस्बैंड जो है वो इतना मेंटेनेंस देंगे। जब हस्बैंड इसकी अपील में गए हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वाइफ को जो मेंटेनेंस तय किया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा, उसको कैंसिल करा दिया गया। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम इस जजमेंट में जानेंगे। ये जजमेंट, इस जजमेंट से बेटर दोस्तों हस्बैंड के लिए कोई और जजमेंट नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे वाइफ खुद एक एडवोकेट है। और दोस्तों, इसमें हम ये चीज़ भी कवर करेंगे कि जो मैक्सिमम केसेस में आजकल हो रहा है कि वाइफ जो है वो कुछ ही दिन, 4-5 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन ही घर पे रहती है, अपनी ससुराल में रहती है, और फिर उसके बाद अपने मायके चली जाती है और फिर वहाँ से जो है वो केसेस फाइल कर देती हैं कि भाई मेरे साथ क्रूएल्टी हुई और जो है मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह के केसेस भी हम इस जजमेंट में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये भी इससे भी मिलता जुलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा जजमेंट या कौन सी लीगल इन्फॉर्मेशन आपके कब और कहाँ काम आ जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, एज ऑलवेज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी लीगल वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। ये दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें हुआ क्या कि वाइफ और हस्बैंड की शादी हुई 2008 में। अब शादी के बाद वाइफ सिर्फ 1 हफ्ता ही रही, 7 दिन के लिए रही ससुराल में, उसके बाद वो मायके चली गई। फिर मायके से फिर वो वापस आई और उसके बाद वो अपनी ससुराल में सिर्फ 12 दिन रही, और इन 12 दिनों में ही वाइफ ने अपना काम कर दिया, क्योंकि वो एडवोकेट थी तो उन्हें सब पता था कि भाई आगे अगर मुझे केसेस डालना है तो मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। अब उन्होंने करा क्या, 12 दिन के बाद वो मायके गई वापस और फिर कभी वापस नहीं आई। 12 दिन के बाद जब वो मायके गई अपने, तो वहां से उन्होंने सबसे पहला केस फाइल करा 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का, कि उन्होंने मेंशन करा ये सब कि मेरे साथ जो है बहुत क्रूएल्टी हुई, जब मैं वहाँ ससुराल में कुछ दिन रही तो मेरे पति ने और मेरी सासू माँ ने मुझ पर इतने ज़्यादा क्रूएल्टी करी कि मुझे अपनी ससुराल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, इसीलिए मैं अपने मायके रहने चली आई। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो 50,000 रुपये मंथली कमाते हैं, और जब मैं ससुराल में रही तो मेरे ससुराल वालों ने कुछ ब्लैंक स्टैम्प पेपर्स पे भी साइन करवाए। तो ये सब आधार पर उन्होंने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करा, मेंटेनेंस पिटीशन आगे डाल दी। अब जब हस्बैंड की बारी आई अपनी तरफ की बात पेश करने की, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं किया गया, ना ही मेरे थ्रू और ना ही मेरी माता जी के थ्रू, मतलब उनकी वाइफ को कोई भी मेंटल हरासमेंट नहीं किया गया, मेंटल टॉर्चर नहीं किया गया, वो बल्कि अपनी मर्जी से ही अपने मायके खुद रहने चली गई बिना किसी कारण के। कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा था ही नहीं घर में कि भाई जिससे ये प्रूफ होता हो कि उनको उन पर मेंटल हरासमेंट हुआ, किसी भी तरह का कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। और एक्चुअल में हुआ गया कि वाइफ का जो ब्रदर है वो उन्हें लेने आया, और जब हस्बैंड घर पे नहीं था, उनकी एब्सेंस में वाइफ जो है वो ससुराल छोड़कर अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। इसके बाद जब हस्बैंड को पता चला तो हस्बैंड ने बहुत कोशिश करी वाइफ को वापस लाने की, उन्होंने बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करे, वहाँ खुद वापस लेने भी गए, लेकिन वाइफ वापस नहीं आई। तो ये वाक्य हस्बैंड ने पेश करा, और हस्बैंड ने ये भी कहा कि जो मेरी सैलरी है वो ओनली 5,000 प्रति महीना है, और उसमें से मुझे अपनी जो है बीमार माता के लिए भी दवाइयों का खर्चा भी निकालना पड़ता है, तो इसलिए मैं मेंटेनेंस जो है वो नहीं दे सकता, और जो सैलरी मेरी वाइफ ने बताई है वो गलत है। तो ये सारी बातें हस्बैंड ने पेश करी। अब लोअर कोर्ट ने हस्बैंड की बातों पर गौर ना करके वाइफ के फेवर में फैसला किया, वाइफ की बातों को सच माना, उनकी दलीलों
पर ही फोकस किया कि वाइफ जो है वो एडवोकेट है लेकिन उनकी अर्निंग जो है वो इतनी नहीं है और हस्बैंड की अर्निंग बहुत ज़्यादा है और वाइफ को मेंटल हरासमेंट किया गया है हस्बैंड के द्वारा और उनकी सासू माँ के द्वारा, इसीलिए वो घर छोड़ कर गई हैं। तो मतलब सारी जो वाइफ की दलीलें थी, वाइफ की जो बातें थी, उन्हें लोअर कोर्ट ने सच माना और इन्हीं के आधार पर 4,000 रुपये प्रति महीना मेंटेनेंस बांध दिया वाइफ को कि हस्बैंड जो है वो 4,000 रुपये महीना देंगे। अब यहाँ पे हस्बैंड गए इसकी अपील में हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को एनालाइज करा, सारे केस पर डिटेल स्टडी करी और सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट ने ये देखा कि वाइफ ने अपने भाई को कॉल किया था और तब वो उसे लेने आए और तब वो उनके साथ गई। ये चीज़ उनके भाई ने एक्सेप्ट करी थी क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पे। इसके अलावा उनकी तरफ से, वाइफ और ब्रदर की तरफ से कोई भी हरासमेंट की कंप्लेंट नहीं की गई, चाहे वो हरासमेंट उनके भाई पर हो या वाइफ पर हो, ऐसी कोई भी हरासमेंट की कंप्लेंट, मेंटल टॉर्चर की कंप्लेंट नहीं की गई। उसके अलावा ब्रदर की जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई हो रही थी इस केस में, तो वाइफ के ब्रदर ने ये भी एक्सेप्ट करा कि उनके मैरिज की बात चल रही थी, वाइफ के ब्रदर की मैरिज की बात चल रही थी, उनके लिए वो लड़की ढूंढने जा रहे थे, तो इसीलिए जो ब्रदर हैं वो लड़की को लेने आए थे, मतलब वाइफ को लेने आए थे ताकि जो है वो उसके मैरिज में जो है वो लड़की वगैरह देख सके, पसंद कर सके। तो ये मैरिज का मैटर था, मतलब शादी का मैटर था और कोई और रीज़न नहीं था, जबकि वाइफ ने ये रीज़न कहा था कि भाई मुझे मेंटल हरासमेंट करते थे, मेरे पर क्रुएल्टी करते थे। तो यहाँ पे क्रुएल्टी की बात निकल कर ही नहीं आई, यहाँ पे तो ब्रदर की शादी की बात चल रही थी जिसके सिलसिले में वाइफ जो है वो अपने मायके आई अपने भाई के साथ, तो ये बात हुई थी। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये देखा कि जो वाइफ है वो झूठ बोल रही है, उन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, और हाई कोर्ट ने ये भी देखा कि हस्बैंड की सैलरी जो है वो 50,000 रुपये महीना नहीं है, वो सिर्फ 5,000 रुपये महीना है। उन्होंने उसकी सैलरी पे भी गौर किया और उनके खर्चे भी देखे और ये भी देखा कि वाइफ जो है वो एडवोकेट है और उनकी अर्निंग हस्बैंड से ज़्यादा है, तो वाइफ को मेंटेनेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड बिल्कुल भी लायबल नहीं है वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। क्यों? एक और रीज़न है इसका, क्योंकि वाइफ अपनी मर्जी से मायके में रह रही है, हस्बैंड उन्हें वापस रखना चाहते हैं अपने घर में लेकिन ही नहीं रेडी है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए। तो इस केस में दोस्तों हमें पता है, पहले भी मैंने और वीडियोस बनाई है मेंटेनेंस के ऊपर, कि अगर वाइफ बिना किसी कारण के अपने मायके में रह रही है और ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट में, तो वाइफ मेंटेनेंस नहीं मांग सकती हस्बैंड के लिए। इस केस में हस्बैंड लायबल नहीं होंगे मेंटेनेंस देने के लिए, तो यही इस केस में हुआ। तो दोस्तों ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपकी केस की परिस्थितियां भी इस केस की परिस्थितियों से मैच करती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी भी वाइफ एडवोकेट हैं या वो आपसे ज़्यादा अर्निंग है और आपके लिए मेंटेनेंस बांध दिया गया है जबकि वो आपसे ज़्यादा कमाती हैं, तो आप इस जजमेंट को लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि वाइफ जो है वो कुछ ही दिन ससुराल में रही, उसके बाद वो अपने मायके चली गई और ये सारे फॉल्स एलिगेशन लगाकर ये सारे फॉल्स केसेस आपके खिलाफ दर्ज करा दिए, तो इन सब केसेस में आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जजमेंट दोस्तों अनिल वर्सेस श्रीमती सुनीता इस नाम से है। इस जजमेंट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़कर उसे डाउनलोड करके अपनी पिटीशन में लगा सकते हैं अगर आपका केस इससे मिलता जुलता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको कुछ भी हेल्पफुल हो, यूजफुल हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।